वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का जो वीडियो है ये है हमारे एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको तीन चार वीडियो में बताया था कौन सा एग्जाम का कब रिजल्ट आने वाला है, जैसे कि AHSCC का था, HS वालों का और HSLC का था। मगर अभी जैसे कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है तो अब पॉसिबल यही है। पहले तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो 10 का जो रिजल्ट है, जैसा कि हमने आपको जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जैसा बताया था, उसके हिसाब से मई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए था, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, अब फिर से ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ठीक है। सो अभी डिले होगा तो फिर से वही वाली बात हो गई कि पहले जो हमने जो डेट बताया था, ठीक है, जो हमने पहले बताया था कि मई एंड और जून के फर्स्ट, ऐसे मैंने बताया था एकदम पहले पहला जो स्टार्टिंग का वीडियो था कोरोना के बाद में, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली 10 का जो रिजल्ट है वो मई के एंड में ही आता है, ठीक है, और उसके एक या दो दिन पहले या फिर बाद में HS का आता है। तो अभी फिर से वैसा ही होने वाला है लगभग लगभग, ठीक है। AHSCC का रिजल्ट थोड़ा सा और लेट हो सकता है क्योंकि उसका कॉपी अभी तक चेक हुआ है नहीं हुआ है कुछ बताया नहीं गया, ठीक है। HSLC का जो रिजल्ट होगा वो आपका अब मई एंड और जून फर्स्ट वीक इसके बीच में निकलने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी बीकॉम वाले हैं, TDC वाले जितने भी है, ठीक है ना, जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था फर्स्ट सेम वालों का, उन लोगों का जो कॉपी है वो उसका अभी तक कोई खबर ही नहीं आया है। मतलब लगभग समझ लो उसका और भी लेट हो सकता है, ठीक है। जितना कॉपी चेक हो गया उसका तो आ जाएगा, बट जब आएगा तो एक साथ ही आएगा सभी का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो भी अब जून के आसपास में ही आएगा, ठीक है। और इसी बीच में फिर उनका एग्जाम भी दे दिया गया, जैसा कि फर्स्ट सेम का एग्जाम जो है वो भी हो सकता है, ठीक है, नॉट श्योर, बट ऐसा अभी खबर मिल रहा है कि एग्जाम उन लोग का जून से दे दिया जाएगा, ठीक है। सो आप लोग जितने भी हो, जिस भी क्लास के, उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। 10 वाले हो तब तो आप फ्री हो, 11 का स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो, 11 वाले हो तो 12 वाला स्टार्ट कर दो, और अगर बीकॉम वाले हो तो एग्जाम के लिए करो, ठीक है। रिजल्ट जब हो तब आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज है, आप लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि जो कॉपी जैसे चेक होंगे तो उसमें उतना ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं देखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है तो ज्यादातर लोग यही ट्राई करेंगे कि आपको पास करा दिया जाए, ठीक है। और अगर कोई अगर डाउट वाउट रहता है तो नीचे आप पूछो, ठीक है। जैसा कि हम लोग का जो PM ने जिस तरह से बताया है कि अभी 20 तारीख तक जो है पूरा ही अच्छा तरह से लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद लॉक इन पीरियड स्टार्ट होगा, तो उस बीच में हो सकता है कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन सभी को जरूर दिया जाएगा काम पे आने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ज्यादा नहीं, हम लोग को मैट्रिक के लिए 5 से 6 दिन लगेगा कॉपी चेक होने में और वहां से आने में, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यही है कि जहां जहां पे कॉपी गया हुआ है चेक होने, वो रिटर्न होके आए, तो रिटर्न होके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खुला सिस्टम होना पड़ेगा, और उसके लिए जो ऑफिशियल्स है वो भी वहां पर मौजूद होने पड़ेंगे। तो ये सब चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि हम लोग का जो एग्जाम का रिजल्ट होने वाला है जून के मई एंड जून फर्स्ट वीक ऐसे ही आने वाला है, ठीक है, पहले जैसा ही रह गया फिर से। सो सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। और यहाँ पर आपको क्लास, अगर आप 9-10 वाले हो, 10 वाले हो तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा 10 के रिगार्डिंग, जो अभी आप लोग का एग्जाम में आने वाला होगा हाफ ईयरली का, ठीक है। और अगर आप 11-12 वाले हो तो भी आप कर लो, क्योंकि आपको 12 का और 11 का भी बहुत सारे वीडियो आपको अकाउंट्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड आने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।